दबदबा मैं खत्म नहीं करूँगा, जोगदार जनता खत्म करेगी। जनता उब चुकी है ऐसे परिवार से, ऐसे पार्टी से जिन्होंने 10 साल से कब्जा किया हुआ, काम किया नहीं, विकास किया नहीं। तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं है, जनता को इकट्ठा करना, जनता को समझाना। जनता समझ रही है कि अब बदलाव का समय आ गया है और जनता 7 मार्च को अपना रूप दिखाएगी। ऐसे में आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, मुख्य रूप से क्या मुद्दे से निकल के आ रहे हैं जो जो एक विधायक होने के नाते कराना चाहिए था? सबसे बड़ा मुद्दा जंग विधानसभा में सड़क है, पूरे गांव में पूरे जो मेन रोड से हाईवे से सड़क निकल है कहीं रोड नहीं है पूरे विधानसभा में। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ सड़क है और फिर नौजवान बेरोजगार बैठे हुए गाँव गाँव में, और खड़ंजा नाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, थाने पर सुनवाई नहीं होती है। तमाम मुद्दे ऐसे छोटे मुद्दे हैं जिसको जनता जिससे आक्रोशित है, जनता बदलाव चाहती है। जो विधायक हैं उनका ये कहना है कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो धनबल से और माफिया हैं, शराब बेचने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को जनता न करेगी, आप क्या कहेंगे? अब वो उनकी बुद्धि को मैं सलाम करता हूँ, भगवान उनको इतनी बुद्धि दी है। धनबल, माफिया, मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो माफिया तो हो नहीं सकता, और अगर धन होना गुनाह है तो वो गुनाह मुझे कबूल है। और शराब मैं पीता नहीं, ना मैं बांटता हूँ शराब, मेरे पिताजी का व्यवसाय है और सब वो व्यवसाय लीगल व्यवसाय है, नंबर 1 का व्यवसाय है वो। जितना लीगल व्यवसाय शराब का होता है उतना लीगल व्यवसाय कोई और व्यवसाय नहीं होता है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि उनके जो आरोप है उन्हें किसी आधार पर है, उनको खुद सोचना चाहिए। जब चुनाव लड़ने आए हैं तो आप चुनाव की बात करिए, मेरे व्यवसाय, मेरे परिवार के बारे में बात मत करिए। ऐसे में अगर हम बात करें जो लगातार जो है बसपा पर आरोप लगाया जा रहा है कि बसपा जो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है, क्या बताएंगे? मुझे तो नहीं दिखता कि बसपा भाजपा बी टीम, चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे कहीं ना भाजपा से कोई समर्थन तो मिल नहीं रहा है। भाजपा के प्रत्याशी बड़े तगड़े अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मैं अपना चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। अगर कहीं से सपोर्ट मिलता तो पता लगता कि टिकट देने के बाद भाजपा प्रत्याशी शांत बैठ गया होता, तो मुझे लगता कि नहीं, मेरी बी टीम मेरे लिए काम कर रही। तो मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ अभी तक। ऐसे में अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जो है भाजपा पर हमला किया जा रहा है, आपके भी गृह क्षेत्र में दो जगह हो चुका है, फिर आपके विधानसभा जंगीपुर में हो चुका है, ऐसे में बसपा के प्रत्याशी किस नज़रिए से देखते हो इस तरह के काम कर? देखिए, बसपा का प्रत्याशी कमजोर प्रत्याशी नहीं है, बसपा प्रत्याशी हर तरह से मजबूत प्रत्याशी है और ऐसे लोग जवाब देने आता है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार करके दिखाएं तो हम लोग क्या उनका हश्र क्या करते हैं। और चूंकि भाजपा का प्रत्याशी थोड़ा कमजोर प्रत्याशी है, हर तरह से कमजोर है, तो उस पर ये लोग दबाव बना के कुछ जगहों पे इन्होंने उसका विरोध किया, उनका तोड़फोड़ किया, उनके सभा में तोड़फोड़ की। और मैंने तो उनको जवाब जाकर वहीं दिया जिस जगह पे भाजपा प्रत्याशी को उन्होंने तोड़फोड़ किया था, जिस जहाँ पे उन्होंने सभा करने से रोका, तो मैं उसी जगह पे उसी गांव में मैंने सभा किया, उनके सामने किया, उन्होंने वहाँ तक चू तक नहीं किया। एक अंतर दिखाता है कि जो मजबूती से चुनाव लड़ता है, जो अपने दिल दिमाग से मजबूत है, वैसे गुंडों माफिस डरता नहीं है। ऐसे में अंतिम सवाल है कि यदि मुकेश सिंह को जंगीपुर की विधान जनता जो विधायक बनाती है तो मुख्य रूप से मुद्दा क्या होगा आने वाले समय में? मेरी प्राथमिकता जंगीपुर सड़कें हैं, सबसे पहले सड़कों पर काम किया जाएगा, यहाँ सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा ताकि आने जाने में जो लोगों को दिक्कतें होती है, चाहे मुझे मैं खुद क्यों लूँ, वो दिक्कतें दूर की जाएंगी। सड़क किसी भी देश का, किसी भी गाँव का विकास का पैमाना नापा जाता है। अगर सड़कें अच्छी होती हैं तो उसको विकास होने में टाइम नहीं लगता। धन्यवाद।